एच और के का सेकेंड मेरिट लिस्ट आज आ चुका है और बच्चों को बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है सारा प्रोसेस ऑनलाइन है सो आई टेल यू एग्जैक्टली कॉलेज ने हमें क्या बताया था जब हमने हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया और मैनेजमेंट से भी बात की सो विल लेट यू नो एक्जेक्टली आपको कैसे क्या फॉलो करना है एंड सेकेंड थिंग जो उन्होंने मैंशन किया है फेज वन फेज टू फेज थ्री जो की थर्टीथ जुलाई तक उनका ओपन है। क्या आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा वो भी हमने रेक्टिफाई करा है तो, अगर आप अपना ले लेते हो, आ, में, तो आपके कितने पैसे कटेंगे क्या उनकी कैंसिलेशन पॉलिसी है सो टू नो एवरी थिंग अबाउट एच आर के सी कॉलेज एडमिशन प्रोसीजर एंड द मेरिट लिस्ट मेक श्योर ये पूरा वीडियो एंड तक देखो तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students. So, guys, please do subscribe. फर्स्ट थिंग अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपका एच आर ऑर के सी कॉलेज ड्रीम कॉलेज है तो अभी आपको सेकेंड क्या करना है आपके पास एक लिंक आएगी सबसे पहले आपको फीस पेमेंट करना है एंड देन जो आपका डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाना है एवरी थिंग इज ऑनलाइन यू डोंट हैम टू द कॉलेज फॉर एनी थिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन से लेके फीस एवरी थिंग इज डन ऑनलाइन और अगर आपको फीस पेमेंट की लिंक या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिंक नहीं आती है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे देन यू विल हैव टू कनेक्ट ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर जो कि वो आंसर करते हैं अनलाइक अदर कॉलेजेस सो दे आर आंसरिंग द हेल्पलाइन नंबर ऑल्सो गाइज यू कैन मेल देम दे विल डेफिनेटली रिप्लाई काफी सारे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने मेल किया है और उन्हें रिप्लाई मिला है तो आपको सबसे पहले फीस भरनी है एंड सेकेंड स्टेप है आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है जो कि ऑनलाइन होगा एंड देन Your admission is done. So that's sorted. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेज वन फेज टू फेज थ्री एडमिशन यहाँ पे डेट्स दी गई हुई है उनके वेबसाइट पे कि इस डेट से इस डेट तक आपका फर्स्ट फेज है फॉर एग्जाम्पल फेज टू उन्होंने अभी बट है जब फेजेज में एडमिशन लिखा है तो बच्चों का क्वेश्चन उठना कि क्या मैम हमें रीअप्लाई करना पड़ेगा अगर हमारा फर्स्ट या सेकेंड मेरिट में नहीं आया तो प्रिंसिपल सेट कि आपको रीअप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है आपके मेरिट में मतलब आपका जो भी परसेंटेज है और

मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा एंड द लास्ट थिंग अबाउट द कैंसिलेशन पॉलिसी उनके वेबसाइट पे क्लियरली मैंशन है अगर आप विद इन फिफ्टीन डेज कैंसिल करते हो तो आपको पूरा फीस रिफंड आपका मिल जाएगा और अगर जैसे पंद्रह दिन के बाद करते हो तो आपको नाइनटी परसेंट रिफंड मिलेगा तो आपको ये कैंसिलेशन पॉलिसी का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप जाके देख लीजिए पूरा कैंसिलेशन पॉलिसी वहां पे मैंशन है सो यू डोंट हैव टू वरी एच एस एनसी यूनिवर्सिटी उन्होंने क्लियर बोला है कि पंद्रह दिन में अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको आपका रिफंड मिल जाएगा तो जो भी बच्चे सिक्योर कराना एडमिशन वो करा सकते हैं पंद्रह दिन के विदिन अगर आप अपना डिसीजन चेंज करते हो तो यू कैन गो एंड कैंसिल योर एडमिशन नाउ द लास्ट थिंग अभी जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आई है वो 96 से सीधा ड्रॉप हो गई है 85 तो लगभग 10 11 परसेंट का ड्रॉप हुआ है दोनों ही कॉलेज में तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट भी क्या दस परसेंट गिरेगी वुड नॉट से 10 परसेंट का एक्सपेक्ट करो बट 5 परसेंट तो पक्का गिरेगी तो जिस हिसाब से ये परसेंटेज फॉल हो रहा है यू कैन स्टिल एक्सपेक्ट कि अगर सिंधी कोटा सिक्सटी में जाके रुक रहा है तो जनरल कैटेगरी वाले सेवेंटी फाइव जिन्होंने लाया है या सेवेंटीज में जिन्होंने लाया है वो भी फिंगर क्रॉस्ड होपफुल हो सकते हैं विथ एच एंड के कॉलेज प्लीज जो सब्सक्राइब अवर चैनल फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे वी आर पुटिंग ऑल द इनफॉर्मेटिव अपडेट्स एंड वी मेक श्योर दैट वी रेक्टिफाई एंड वी पुट द ऑफिशियल नोटिस मतलब जो ऑफिशियल नोटिस आते हैं वेबसाइट पे वही हम आपको बताते हैं अब कॉलेज विद इन अगर कुछ चेंज करे देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बट जो भी ऑफिशियल नोटिस है उसका प्रॉपर अपडेट आपको दिया जाता है आई होप गाइज वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टेट इन फॉर लॉर्ड ऑफ सच इफॉर्मेट अपडेट ऑन मीडिया में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब